फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020. माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड दैट द जुडिशियल प्रोसेसेस विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्यूट सेटलमेंट आर वेरी कॉस्टली एंड दे गो फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन. ये सुनो, काफी लंबे समय तक चलते हैं. ठीक है, तो जुडिशियल प्रोसेसेस जनरली स्लो होते हैं, उनकी लिटिगेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है. ये सुनो, और कोर्ट का जो कंट्रोल है कॉस्ट के ऊपर या पार्टी का कंट्रोल है कॉस्ट के ऊपर, वो इतना ज़्यादा होता नहीं है क्योंकि वहाँ पे रूल्स फॉलो करना होता है. ठीक है, और जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है कि भैया कौन हमारे डिस्प्यूट में डिसीजन लेगा, उसके ऊपर भी किसी का कंट्रोल होता नहीं है. ये सुनो, बिकॉज एवरीथिंग इज सेटल्ड बाय लॉ, एवरीथिंग इज सेटल्ड बाय जुडिशियल ऑफिसर. ये सुनो, एंड ये पूरी चीजें पब्लिक में जाती है. ये सुनो, अगर मानो कोई पार्टीज के बीच में प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, तो भैया पब्लिक में जाएगा ना. ये सुनो, क्यों? क्योंकि जुडिशियल प्रोसेस है. तो इन्हीं सभी चीजों से बचने के लिए, लेकिन से देर आर मेथड विच आर नोन एज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. क्या तरीके है दोस्तों? ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्टरनेट डिस्प्यूट? सो ऑब्वियसली आपको जुडिशियल प्रोसेस में नहीं जाना है. भारत में ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है कोई? बिल्कुल, लोक अदालत, शरिया कोर्ट. और उसके अलावा जो बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टम डेवलप हो गई है भारत में, विच इज नोन एज आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996. दोस्तों, ये जो हमारा एक्ट है, ठीक है, 1996 का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने बना के रखा हुआ है. ये ऑब्जेक्टिव था हमारा, लेकिन से कि भैया हमें इस तरीके का आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन का एक्ट बनाना चाहिए. ठीक है, जिसके द्वारा हमने एक आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन ऑफ इंडिया करके एक संस्था बना के रखी है. दोस्तों, भारत में आर्टिकल नंबर 51 DPSP के मुताबिक, ठीक है, हमने ये ACI बना के रखा है ताकि ACI क्या करेगा, इंटरनेशनल डिस्प्यूट होंगे उनको वो आर्बिट्रेशन के द्वारा सेटल करेगा. क्योंकि भैया आर्टिकल नंबर 51 में ये बोला है दैट इंडिया विल फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन. ओके, सो अपने देश में इस तरीके से ऑर्गेनाइज वे में इस तरीके की एक्टिविटी करना इज रियली गुड आइडिया. ओके, सो दैट इज द बैकग्राउंड अबाउट व्हाई वी नीड आर्बिट्रेशन. व्हाट डू वी हैव, यू कैन से एज अ बॉडी, व्हाट इज अ लॉ वी हैव एंड व्हाट इज अ मैकेनिज्म. ओके, नाउ वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज दिस न्यू ऑर्डिनेंस ऑल अबाउट. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस. ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि जब लोकसभा, लेकिन से राज्यसभा फंक्शनिंग में नहीं है, मतलब लेजिस्लेचर दे आर नॉट इन फंक्शनिंग, बट एग्जीक्यूटिव वांट्स अ लॉ टू बी मेड, दे कैन मेक इट बाय ऑर्डिनेंस बाय गेटिंग एन अप्रूवल बाय द, लेकिन से स्ट्रेट, लेकिन से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नाउ हियर दिस आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस इज एस्टैब्लिश्ड प्राइमरली टू चेक द मिसयूज बाय फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स? ऐसे ऑपरेटर्स, यस और नो, हु टेक एडवांटेज ऑफ द लॉ टू गेट फेवरेबल अवार्ड्स बाय फ्रॉड. ठीक है भाई, वो फ्रॉड न कर सके. अभी फ्रॉड न कर सके तो रिस्ट्रिक्शन काफी बढ़ जाएगा, रिस्ट्रिक्शंस बढ़ेगा तो पीपल विल कम आउट एंड विल से ओ इंडिया इज नॉट हैविंग अ गुड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स. ओके, इंडिया का जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, हम यहाँ पे अच्छी तरीके से अच्छी स्पिरिट में बिजनेस नहीं कर पाते हैं. ठीक है, चलिए कोई नहीं, ये परेशानियां तो चलती रहेगी, है ना. हम ये समझते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस में उन्होंने क्या बोला. सबसे महत्वपूर्ण चीज उन्होंने बोली दैट क्वालिफिकेशन ऑफ एन आर्बिट्रेटर, भाई आर्बिट्रेटर मस्ट बी एन एडवोकेट विथ अ टेन्योर ऑफ एक्सपीरियंस और मस्ट बी एन ऑफिसर ऑफ इंडियन लीगल सर्विस. ओके, सो दैट ही कैन बिकम आर्बिट्रेटर. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर टू, what is another condition they put in? Unconditional stay on awards. I'm sure you understand what is the meaning of awards. Whenever there is an arbitration, ठीक है, arbitration में जो भी decision आता है उसको award बोलते हैं. Yes or no? आपको याद होगा India, that is government of India, you can say के खिलाफ केन एनर्जी को
परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अवार्ड दिया था कि भैया उनका टैक्स का पैसा वापस कर देना चाहिए. ये सम दैट इज कॉल्ड अवार्ड. अनकंडीशनल स्टे. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अनकंडीशनल स्टे? ठीक है, अगर कोई भी तरीके का अवार्ड फ्रॉडुलेंट अग्रीमेंट या करप्शन की वजह से मिला है, नाउ देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज इन आर्बिट्रेशन बिकॉज दिस इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसेस. ये सर नो. ठीक है, सो देयर बाय कोर्ट कैन ग्रांट एन अनकंडीशनल स्टे ऑन द, यू कैन से, अवार्ड्स. दिस इज व्हाट दे आर मॉडिफाइंग इन इट. ओके, चलिए, ग्रेट, ये आपको समझ में आ रहा होगा. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये समझने की कोशिश करते हैं कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कंसिलिएशन में क्या अंतर होता है. दोस्तों, आर्बिट्रेशन में जब डिस्प्यूट होता है दो पार्टी के बीच में, तब कोई थर्ड पार्टी हु इज नोन एज आर्बिट्रेटर इज कॉल्ड फॉर, जो इनके बीच का डिस्प्यूट रिजोल्व करेगा, वो एक ऑब्जेक्टिव वे में उसको समझेगा. ओके, इट इज बाइंडिंग, इट इज बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज. दोस्तों, ये दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग है. ओके, और ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, उनको दोनों को ये बातें माननी है. ये सुनो. ठीक है, अच्छा, अब आता है मीडिएशन. नाउ व्हाट इज अ मीडिएशन? मीडिएशन इज ऑन द सिमिलर लाइन. दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट हुआ, ठीक है, ओके, एंड दे वुड लाइक टू रिजॉल्व अगेंस्ट बिटवीन देम विद द हेल्प ऑफ मीडिएटर. ओके, यहां पे एक्टिव फैसिलिटेशन हो रहा है. भाई मीडिएटर होगा, दोनों पार्टी की बात करेगा, ठीक है, और मोस्टली दोनों पार्टी विन विन पे आएंगे. दोनों पार्टी का पूरा कंट्रोल होगा, पूरी से एक्टिविटी में, रिजल्ट में, फाइनल डिसीजन में, म्यूचुअल कंसेंट से ये डिसीजन लिया जाएगा. ओके, वाइल कंसिलिएशन के अंदर कंसिलिएटर अपॉइंट होगा. ये सुनो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये जो कंसिलिएटर है, दोनों पार्टी को सेपरेटली मिल सकता है सो दैट ही कैन अराइव एट एमिकेबल डिसीजंस. ये सुनो. हाउएवर, इन दोनों केसेस में फाइनल डिसीजन मे नॉट बी बाइंडिंग. ये सुनो, आई होप इट इज वेरी क्लियर. सो दोस्तों, इंडिया में ये जो बड़ा लॉन्ग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है कोर्स ऑफ लॉ के लिए, जो डिसीजन देने में दिक्कत होती है, जो ऑब्वियसली उसकी अनसस्टेनेबल डिलीवरी है, और बहुत सारी पार्टीज को कोशिश किया जाता है कि भैया इंडिया में वो ऐसा काम न करे और बाहर चले जाए. कहाँ चले जाए? जैसे वी गो टू सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, वहां चले जाएंगे डिस्प्यूट रिजोल्व करने के लिए. ये सुनो. ठीक है, सो दोस्तों, एक ऐसा एग्जाम्पल जहां पे ऐसा डिस्प्यूट, फॉर दैट काइंड ऑफ डिस्प्यूट पीपल वेंट टू SIAC. कौन सा है भैया? फ्यूचर रिलायंस डील. ओके, चलिए समझते हैं क्या है ये फ्यूचर रिलायंस डील. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट देयर इज अ फ्यूचर ग्रुप, फ्यूचर ग्रुप इन अ कंट्री विच इज लेड बाय मिस्टर किशोर बियानी, और दे हैव लॉट ऑफ एक्टिविटीज. दे डू रिटेल, दे डू होलसेल, दे डू लॉजिस्टिक्स, दे डू वेयरहाउसिंग. उनके बड़े बड़े ब्रांड है, बिग बाजार, फूड हॉल, ब्रांड फैक्ट्री. ठीक है, तो ये फ्यूचर ग्रुप है. फ्यूचर ग्रुप को भाई अभी ये जो ब्रिक एंड मोर्टार बिजनेस के लिए काफी ज्यादा दिक्कतें होने लगी थी विद द अराइवल ऑफ ई कॉमर्स जायंट्स के बाद उनको काफी दिक्कतें होने लगी. ठीक है, और इसकी वजह से दे आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू देयर लैंडर्स. SBI गेव देम लॉट ऑफ मनी. ओके, बट द लैंडर वॉज प्रेशराइजिंग देम. सो दिस फ्यूचर ग्रुप का जो प्रमोटर ग्रुप है, ओके, ये कंपनी है, उस कंपनी का अलग ग्रुप विच इज नोन एज प्रमोटर ग्रुप विच इज फ्यूचर कूपन्स, उन्होंने Amazon के साथ डील करी विच इज 49% स्टेक प्रमोटर ग्रुप का उन्होंने Amazon को बेच दिया एट 2,000 करोड़ रुपीस. ओके, 2,000 करोड़ रुपए में फ्यूचर कूपन विच इज अ प्रमोटर कंपनी फॉर दिस अनदर कंपनी. ओके, उन्होंने अपना शेयर Amazon को बेच दिया. Amazon ने वो अग्रीमेंट में किया कि भैया आई हैव अ कॉल ऑप्शन. ओके, आई हैव राइट टू बाय. ओके, मतलब अगर आप फ्यूचर कूपन, आप प्रमोटर हो और आपको कोई भी चीज आपकी कंपनी में से अगर बेचनी है, ठीक है, तो भैया आपको सबसे पहले हमारा परमिशन लेना है. अगर हम बोले वी गिव यू राइट टू सेल, यू कैन सेल, अदरवाइज यू कांट सेल इट. ठीक है, ऐसा 2019 में ये अग्रीमेंट हुआ.
किसका हुआ, प्रमोटर ग्रुप का, प्रमोटर ग्रुप के साथ कॉल ऑप्शन, ध्यान से समझना। ओके, अब किशोर बियानी साहब को लगा कि चलो एक काम करते हैं, ठीक है, ये तो फ्यूचर कूपन हमने बेच के रखा है, ये कंपनियां तो अलग है, ठीक है, फ्यूचर रिटेल करके कंपनी अलग है, तो बिग बाजार है उसका, फूड हॉल है, ब्रांड फैक्ट्री है, उसको हम RIL को बेच देते हैं, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, रिलायंस रिटेल, जो एक बड़ा बिजनेस लेकर आने वाले थे, इनके पास पता नहीं कहां से कोरोना के टाइम पे बहुत पैसे आ गए, इन्होंने अलग अलग शेयर बेचे और अलग अलग वेंचर कैपिटलिस्ट प्राइवेट इक्विटी फर्म ने भरपूर पैसे लगाए इनके अंदर, ठीक है, तो दे सेड वी आर गोइंग टू सेल दिस पर्टिकुलर पार्ट दिस कंपनीज टू यू। चलिए ग्रेट, उन्होंने उनके साथ डील करी। भैया नवंबर 2019 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस डील को अप्रूवल दे दिया। जनवरी 2021 में सेबी ने इसको कंडीशनल नॉड दे दिया, ठीक है, और ये अग्रीमेंट हो चुका था। ओके, ये अग्रीमेंट हो चुका तो अमेजोन बोलता है, दो मिनट भैया रुको, आप लोगों का ये अग्रीमेंट वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? बोला हमारे साथ ये अग्रीमेंट करके रखा हुआ था आपके फ्यूचर कूपन ने, ये सुनो। तो भैया 2019 में अमेजॉन ने फ्यूचर कूपन में जब स्टेक एक्वायर किया तो उस अग्रीमेंट के द्वारा, ठीक है, अमेजॉन हैज फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल इन एनी स्टेक सेल। कोई भी स्टेक का सेल करेंगे ये लोग, उसमें वी हैव अ राइट ऑफ रिफ्यूजल। ओके, तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो अमेजॉन पहुंच गया सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के ऊपर। ओके, उनके अग्रीमेंट में लिखा था कि हम आर्बिट्रेशन करेंगे, तो अमेजॉन अप्रोच SIAC टू अपॉइंट एन इमरजेंसी आर्बिट्रेटर, और SIAC का रूलिंग आया, इमरजेंसी आर्बिट्रेटर आया और उन्होंने रूल दिया अमेजॉन के फेवर में, ताकि फ्यूचर रिलायंस डील को होल्ड पे रख दिया। ओके, समझ में आया दोस्तों? चलिए ग्रेट, ठीक है। तो ये जब रूलिंग हुआ, ओके, तो ऑब्वियस है कि फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस वाले बोलेंगे कि भाई हम भी क्यों पीछे रहे, वी विल गो टू इंडियन हाई कोर्ट, ठीक है। दोस्तों, एज पर इंडियन लॉ देयर इज नो मैकेनिज्म फॉर एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ एन इमरजेंसी आर्बिट्रेटर। दोस्तों, SIAC आर्बिट्रेटर अगर नॉर्मल वे में किया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमरजेंसी आर्बिट्रेटर का कोई लॉ नहीं है। हाउएवर, अगर ऐसा इंप्लीमेंटेशन का कोई तरीका नहीं है, बट पार्टी कैन मूव टू इंडियन हाई कोर्ट, ओके, अंडर दिस आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996, ठीक है। ओके, तो ये लोग पहुंचे कहां पर? दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट रूल्ड दैट ऑर्डर ऑफ SIAC वाज एनफोर्सिबल इन इंडिया इन द सेम मैनर एज एन ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट, ठीक है, बिकॉज दिस इज मेंशन इन द सेक्शन 17 ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू अबाउट आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। ओके, ऑल द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोटेलेंट, एंड आई एम नितिन परमार। वी आर टॉकिंग अबाउट पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तमिलनाडु गवर्नर ने अपना डिसीजन विथहेल्ड किया था ऑन सीकिंग पार्डन ऑफ राजीव गांधी एसेसिनेशन केस। तो दोस्तों, इसके कंटेक्स्ट में हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 72 एंड आर्टिकल नंबर 161, ये समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखें, भारत में अगेन से वी हैव अ जुडिशियल रेमेडी व्हेन अगेन से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट गिव्स अ सेंटेंस टू समवन, ओके, कि भैया आपको अब ये सजा मिलेगी, अब ये सजा के बाद इज देयर एनी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अगेन से रेमेडी अवेलेबल? बिल्कुल, आपको सजा मिलने के बाद, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी, उसके बाद आपके पास कोई पॉसिबल जुडिशियल रेमेडी है क्या? बिल्कुल, क्या रेमेडी है? यू कैन फाइल अ रिव्यू पिटिशन इन सुप्रीम कोर्ट, यू कैन फाइल क्यूरेटिव पिटिशन इन अगेन से सुप्रीम कोर्ट, दिस इज रियली अ पॉसिबिलिटी। ये सुनो, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दैट रिव्यू पिटिशन का मतलब है कि भैया हमें लगता है कि आपके अगेन से जजमेंट को वापस देखिए कि क्या अगेन से सही हुआ, क्या गलत हुआ, ठीक है, दैट इज अ रिव्यू। क्यूरेटिव मतलब आप उसको करेक्ट करना चाहते हो कि भाई जज ने कोई महत्वपूर्ण मुद्दा देखा नहीं है, एंड देयर बाई वी आर इंटरेस्टेड इन अगेन से स्टॉपिंग, वी आर इंटरेस्टेड इन टेलिंग देम कि भैया ऐसा गलती नहीं करो। दिस आर द जुडिशियल रेमेडी।
what are the, you can say, administrative remedy? We go to the president of, you can say, India, and we go to the governor of the state. Okay. So, according to Article number 72, president shall have power to grant pardon, reprieves, respite, remission, ठीक है, of the punishment, or to suspend, remit, ठीक है, or commute a sentence. क्या कर सकते हैं? Suspend, remit, or commute the sentence. शब्दों पे ध्यान देना दोस्तों, ठीक है, this is very important, ठीक है. अभी कब कब ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, okay. So whenever president, you can say, has this power under article number 72, ठीक है, that is granting power, granting power to pardon in all cases of punishment or a sentence by court martial, okay, or in all cases where the sentence of death is given. Okay, or in any, you can say, case or all cases where punishment or sentence for an offense against any law, okay, where you can say union power extends. So that is called 72. Matlab, bahut wider power hai hamare presidents aapke paas. Okay, governors aapke paas power hai kya? Yes, under article number 161. Okay. ठीक है, क्या क्या पावर? सेम पावर, सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट सेंटेंस इन सर्टन केसेस. ओके, इन सर्टन केसेस, सभी केसेस में नहीं है, जिधर भी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एक्सटेंड्स उतने तक उनके, यू कैन से, हाथ में पावर है. ये सुनो, तो आपको ये समझ में आ गया, स्कोप ऑफ पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज वाइडर देन द स्कोप ऑफ पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर. ठीक है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एक्सटेंड्स इन केसेस वेयर पनिशमेंट, ठीक है, इज थ्रू कोर्ट मार्शल. ओके, बट गवर्नर के पास वो पावर नहीं है. ओके, और प्रेसिडेंट हर केस में कर सकता है और गवर्नर सिर्फ लिमिटेड केसेस में कर सकता है. ये सुनो, ठीक है, इज दैट कंफर्टेबल? ग्रेट. अब दोस्तों सवाल ये है कि ये जो पार्डनिंग पावर है वो आता कहां से है, ठीक है, इसका फिलोसॉफी क्या है? दोस्तों हर एक सिविलाइज सोसाइटी या कंट्री ये रिकग्नाइज करती है और इसकी वजह से इस पार्डनिंग पावर को देती है कि ये रिकग्नाइज करती है कि माफी देने का पावर तो होना चाहिए ना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज एन एक्ट ऑफ ग्रेस, इट इज एन एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी. ओके भाई, विदाउट एनी सच काइंड ऑफ पावर ऑफ क्लेमेंसी, माफी देने के, यहां से, का पावर अगर किसी के पास होगा नहीं तो एक पॉलिटिकल मॉरालिटी के नजरिए से कंट्री बहुत वीक दिखेगी. ये सुनो, तो ये उसके पीछे का बैकग्राउंड है. ओके, पार्डनिंग पावर is founded on the consideration of public good. Okay, logo ke liye acha hona chahiye, and it is exercised on the ground of public welfare. Okay, pardon ka matlab ho gaya maafi de dena, forgive karna, theek hai. Okay, so dosto, forgive karna, grace dena, theek hai, is tarike ki cheeze iske andar aati hai dosto, theek hai. Ab ye samajhna zaruri hai ki alag alag deshon mein is tarike ka power hai ki nahi. Bilkul hai dosto. ये जो अगेन से पार्डनिंग पावर की शुरुआत हुई थी, अगर आप देखें 4000 साल पहले बेबीलोनियन सिस्टम के अंदर हमुराबी के यहाँ पे भी पार्डनिंग पावर हुआ करता था. ये सुनो, तो दोस्तों आज की तारीख में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए, ओके, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रेसिडेंट पावर टू ग्रांट सच काइंड ऑफ पार्डन. ये सुनो, ठीक है, हाँ, इम्पीचमेंट केस में ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है, चलिए, ग्रेट. सिमिलरली यूके के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कैन पार्डन, कैन शो मर्सी, मतलब किसके पास जाएगा? सीधा क्वीन के पास जाएगा. ये सुनो, ठीक है, कनाडा में है क्या? बिल्कुल है, कनाडा में देयर इज अ नेशनल पैरोल बोर्ड, ये बनाया गया. भारत में, ठीक है, ये जो कमांडर नानावटी का जो केस था, ठीक है, व्हेन ही वाज हेल्ड गिल्टी फॉर मर्डर, द गवर्नर गेव हिम पार्डन. पार्डन का अधिकार किसने दे दिया उनको? गवर्नर ने दिया था. ये सुनो, इंडिया के पास ये आर्टिकल 72 और 161 के सिस्टम के द्वारा अवेलेबल है. ये सुनो, इज दिस वेरी क्लियर दोस्तों? इंडिया में, ठीक है, ये जो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास जो पावर है उसमें अलग अलग शब्दों का जो मतलब है, सबसे पहले बात करें पार्डन. पार्डन का मतलब है कंप्लीट एब्सोल्यूशन ऑफ एनी काइंड ऑफ क्राइम, ठीक है. सो मतलब उसको फ्री कर देना, एब्सॉल्व करना, माफ कर देना,
कंप्लीट पार्डन, कंप्लीट फ्रीडम है, ठीक है। कम्यूट और कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, कम्यूटेशन का क्या मतलब है? कम्यूटेशन का मतलब है चेंजिंग द टाइप ऑफ पनिशमेंट फ्रॉम हार्श टू लिटल लेस हार्श, ओके, दिस इज कॉल्ड कम्यूट, चेंजिंग द पनिशमेंट, ओके, दैट इज कॉल्ड कम्यूट। रिप्रीव, रिप्रीव का मतलब है, ठीक है, ओके, सो दैट इज एग्जीक्यूशन में किसी बंदे को समय का यू कैन से बेनिफिट देना, दैट इज डिले, ओके, डिले करना, रिप्रीव, थोड़ा सा, है ना, मतलब आप कभी एकदम गर्मी में जा रहे हो और पेड़ के नीचे बैठे तो कैसे रिप्रीव वाली फीलिंग आती है, वैसा, ओके। देन यू हैव रिस्पाइट, इट मींस रिड्यूसिंग द क्वांटम और डिग्री ऑफ पनिशमेंट, ओके, इट इज रिड्यूसिंग द क्वांटम और डिग्री ऑफ पनिशमेंट ड्यू टू प्रेगनेंसी, ड्यू टू मेंटल कंडीशन, दैट इज कॉल्ड रिस्पाइट, ठीक है। एंड देन यू हैव रिमिशन, रिमिशन का मतलब होता है चेंजिंग द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट विदाउट चेंजिंग द नेचर, ओके, भैया 10 ईयर का रिगरस पनिशमेंट था तो 5 ईयर का रिगरस पनिशमेंट हो गया, ओके, दिस इज हाउ द आइडिया इज, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, वेरी गुड। चलिए, सो दोस्तों इंडिया में है ना कुछ महत्वपूर्ण केसेस हुए थे जिसके द्वारा पार्डनिंग पावर से हम समझ सकते हैं। एक था मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, ठीक है, मारूराम और यूनियन ऑफ इंडिया का केस के अंदर ये हेल्ड हुआ था दैट पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल नंबर 72 एंड 161 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी एक्सरसाइज बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड नॉट बाय द ओन इन द सेंस दे आर ओन वे, ठीक है, उनको गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक इनसे अप्रूवल दिया हो तो कर सकते, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, मतलब दे हैव टू वर्क अंडर द एड एंड एडवाइस, ओके, दिस इज व्हाट द जजमेंट केम। देन अनदर फेमस केस केम कॉल शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है, ओके, तो इसके अंदर काफी ज्यादा डिले हो गया था, ओके, इन टर्म्स ऑफ केस के प्रोसेस के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट कन्फर्म that the due process guaranteed under article number 21 is available to every person, ठीक है, और ये एक dehumanizing effect है इतना delay करके, और इसकी वजह से हम ऐसे cases को जल्द से जल्द लेंगे और अगर delay हुआ है तो उनको सामने वाले को compensation मिलेगा। इसीलिए जो जो राजीव गांधी assassination case था है ना, उन लोगों के लिए जब death sentence दिया गया था और delay हो गया, death sentence नहीं मिला, ठीक है, तो ऐसा बोला गया कि भैया अब इनको डेथ सेंटेंस नहीं मिलेगा इनके ऊपर, ठीक है, अब लाइफ इंप्रिजनमेंट लगेगा, ठीक है, दिस इज कमिंग फ्रॉम शत्रुघ्न चौहान केस, ठीक है। तीसरा केस था केहर सिंह केस, केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह असर्ट किया दैट आर्टिकल नंबर 72 के द्वारा जो प्रेसिडेंट के पास पावर है दैट पावर फॉल्स विद इन जुडिशियल डोमेन, ओके, देयरफॉर इट विल बी एग्जामिन्ड बाय कोर्ट बाय वे ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मतलब इन्होंने जो भी इनसे काम किया है इस आर्टिकल नंबर 72 के द्वारा उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू करना है तो कर सकते हैं, ये तरीके की बातें इसके अंदर हुई। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू, ऑल द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट केस विच इज रिलेटेड टू लॉटरी गैम्बलिंग बैटिंग in India, and this issue is very crucial. This is not about whether they are legal or not. We are discussing about whether the income connected to that is, you can say, taxable under GST or not. Okay, तो दोस्तों आपको पता होगा कि इंडिया में लॉटरीज कुछ कुछ स्टेट्स में चलती है, ओके, कुछ कुछ जगह पे गैम्बलिंग चलता है, हॉर्स रेसेस के ऊपर गैम्बलिंग चलती है, बेटिंग चलती है, ये सुनो, तो इसके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, उसका महत्वपूर्ण केस हुआ था स्किल लोटो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओके। दोस्तों स्किल लोटो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड वाज एन ऑथराइज्ड एजेंट फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉटरीज इन द स्टेट ऑफ पंजाब, ओके, उन्होंने रिट पिटीशन फाइल करी थी अगेंस्ट जीएसटी लॉ, ओके, उन्होंने आर्टिकल नंबर 32 के द्वारा रीट पिटीशन फाइल करी थी, उन्होंने कहा कि ये जो जीएसटी के लॉ है जो लॉटरी के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं डिस्क्रिमिनेटरी है,
आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 301 एंड 304 को वायलेट करते हैं। ये सुनो क्यों भैया, उनका कंटेंशन क्या था? उनका ये कहना था कि लॉटरी इज नॉट गुड्स अंडर जीएसटी। ओके, जब वो गुड्स नहीं है तो उसके ऊपर जीएसटी लग, मतलब आप जीएसटी कैसे लगाओगे? ये सुनो, ठीक है भैया, गुड्स क्या होता है? ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आर्टिकल नंबर 366 में बोला है कि गुड्स आर इंक्लूडिंग ऑल मटीरियल्स, कॉमोडिटीज एंड आर्टिकल्स, देयर बाय एक्सक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम। दोस्तों दो मिनट समझिए, दो मिनट रुकिएगा, मैं समझाऊंगा कि एक्शनेबल क्लेम क्या होता है। ओके ठीक है, पर आपको समझ में आ गया क्या बात हो रही है? मटेरियल, कमोडिटी, आर्टिकल, ठीक है, ये सबको गुड्स बोलते हैं, एक्शनेबल क्लेम को गुड नहीं बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में एक जजमेंट दिया था, दैट इज सनराइज एसोसिएट्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के केस के अंदर बोला था, लॉटरी इज नॉट अ गुड, देयरफॉर ट्रीटिंग लॉटरी एज अ गुड्स इज कॉन्ट्रारी टू द जजमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ठीक है, ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, इसके अलावा उन्होंने एक और आर्ग्यूमेंट बोला था कि पार्लियामेंट डज नॉट एंजॉय एब्सोल्यूट पावर टू मेक, यू कैन से, अ डेफिनेशन ऑफ सर्टेन थिंग विच इज टैक्सेबल। पार्लियामेंट के पास पावर थोड़ी है, ठीक है, जीएसटी का भले लॉ लगा दिया इन्होंने, पर पार्लियामेंट डजंट हैव अ कंप्लीट पावर। ओके, और जीएसटी फेस वैल्यू के ऊपर लिवाइव होती है फॉर द लॉटरी टिकट, है ना, जो इम्परमिसिबल होना चाहिए, क्योंकि फेस वैल्यू ऑफ टिकट्स ऑल्सो इंक्लूड प्राइज मनी टू बी रीइंबर्स टू द विनर। तो टोटल हमें तो पूरा पैसा थोड़ी देना है, हमारा तो जो प्राइज मनी लोगों को देते हैं वो प्राइज मनी तो हमारा एक्सपेंस हो गया ना। ठीक है, तो ये तरीके से उन्होंने अपनी बातें करी, आर्ग्यूमेंट उनका वैलिड तो लगा, ठीक है, ओके, और रिट पिटीशन दाखिल करी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के ऊपर क्लियर कट जजमेंट दे दिया दैट कि लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग एक एक्शनेबल क्लेम है। ओके, ये क्या है भैया? एक्शनेबल क्लेम है। ओके, तो एक्शनेबल क्लेम क्या होता है समझते हैं दोस्तों, एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? कोई भी तरीके का क्लेम टू एनी डेट, डेट मतलब लोन, ओके, अदर देन लेकिन से एनी सिक्योर्ड लोन, उसको एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं। मतलब अगर आप एक कंपनी के, एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो, ओके, और उस पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हुआ, अब उसके ऊपर क्लेम करो कि ये प्रॉफिट मेरा है क्योंकि आप पार्टनर हो, तो भैया आप तो क्लेम कर ही सकते हो ना, दैट इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने क्रेडिट कार्ड के द्वारा पैसा खर्च किया तो जो क्रेडिट कार्ड की कंपनी है, ठीक है, अभी आपने क्रेडिट कार्ड से जो खर्चा करा तो आपको अनसिक्योर्ड लोन दिए ना उन्होंने, आपके पास कोई कैसे प्रॉपर्टी तो गिरवी नहीं रखवाई है, ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन है, तो उसके ऊपर वो क्लेम करते हैं, चलिए अच्छी बात है, दैट इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम। प्रोविडेंट फंड के ऊपर आप क्लेम करते हो, दैट इज एक्शनेबल क्लेम। ये सुनो बराबर है, आपके पास कोई रेंट है, किसी से रेंट लेना है, ठीक है, तो वो एक्शनेबल क्लेम है। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर अगर आप कोई क्लेम करते हो, दैट इज एक्शनेबल क्लेम। दोस्तों ये सब एक्शनेबल क्लेम है, और उन एक्शनेबल क्लेम को गुड्स माना जाएगा। हाँ माना जाएगा, क्योंकि ये सब बाकी जो मैंने एग्जांपल दिए उन सबके ऊपर अगर टैक्स लग सकता है और उसको एक्शनेबल क्लेम कहा जाएगा, तो ये एक्शनेबल क्लेम है, लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग। आई होप इट इज वेरी क्लियर। क्या जजमेंट आया? लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग आर एक्शनेबल क्लेम एंड दे डेफिनेटली कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड देयरफॉर इनके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर। एक्शनेबल क्लेम क्या है? ऐसा कोई डेट जो मॉर्गेज के बगैर है, ओके, ऐसी कोई चीज जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर या मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई हाइपोथेटिकेशन प्लेज के बगैर का कोई लोन है, ओके, प्रॉफिट बाय पार्टनरशिप, प्रॉफिट बाय पार्टनर, है ना, क्लेम ऑफ अनसिक्योर्ड लोन, प्रोविडेंट फंड के ऊपर क्लेम करना, ठीक है, रेंट के ऊपर क्लेम करना, इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर क्लेम, ये सब एक्शनेबल क्लेम है, ओके। दूसरा सवाल पैदा हुआ था कि पार्लियामेंट हैज अ पावर और ऑफ डूइंग दिस और नॉट। दोस्तों जजमेंट में ये आया दैट पार्लियामेंट हैज एन एब्सोल्यूट पावर टू गो फॉर एन इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ द टर्म कॉल्ड
गुड्स, और उसके अंदर उनको जो भी नाम डालना है वो डाल सकते हैं। एक्शनेबल क्लेम को भी अगर ये बोलना चाहे कि भैया ये गुड्स है तो डाल सकते हैं। ठीक है, अब आप सवाल करोगे कि सर ये तो बताइए इंडिया में कोई लॉ है लॉटरी गैम्बलिंग और बैटिंग के लिए? बिल्कुल दोस्तों, लॉटरी का लॉ है, लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट 1998, लॉटरी इज कंसिडर टू बी लीगल, लॉटरी शुड बी ऑर्गेनाइज बाई स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ओके, और ये पर्टिकुलर स्टेट के पास पावर होगा किस तरीके से काम करना। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली आईपीसी बोलता है ना, आईपीसी बोलता है कोई भी ऑब्सीन मैटर है, ओके, ऑब्सीन मैटर विच इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजिंग बैटिंग एंड गैम्बलिंग, है ना, उसको रोका जाना चाहिए, है ना। बैटिंग और गैम्बलिंग के लिए कोई ऑब्सीन कंटेंट है उसके लिए पनिशमेंट होगा, मतलब अपने आप में बैटिंग और गैम्बलिंग को अलग से कुछ बोला नहीं है। हावेवर वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, हावेवर अ वेजर कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोहिबिटेड बाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, प्राइस कंपटीशन एक्ट है दोस्तों 1955 का, ठीक है, वो डिफाइन करता है कि भैया प्राइस कंपटीशन, प्राइस इन कंपटीशन जो भी होती है, ठीक है ना भाई, कोई भी कंपटीशन हुई इसमें जो भी प्राइज मनी होगा, ठीक है, उसका डेफिनेशन क्या, उसका टैक्सेशन क्या, वैसा जैसे विंबलडन आप खेलने गए, वो कंपटीशन है, विंबलडन से आपको बहुत पैसा मिला, ठीक है, आप जीत गए, तो भैया उसका, उसके वो प्राइज मनी है, वो प्राइज मनी के ऊपर कितना टैक्सेशन होगा, क्या गणित होगा, उसका रेगुलेशन कैसे होगा, वो सब कुछ होगा। सिमिलरली फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 99, ठीक है, जो भी रिमिटेंसेस है, ठीक है, जो लॉटरी विनिंग के द्वारा, रेसिंग के द्वारा जो फॉरेन कंट्री से इनकम आपने जनरेट करा और आप इंडिया में लेकर आए तो गलत बात है, नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए एफएमआई है। सिमिलरली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2011 की बात हो रही है दोस्तों, समझिएगा, कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर या कोई भी सर्च इंजिन, दे विल नॉट होस्ट एनी कंटेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्टिंग गैम्बलिंग, ठीक है, ये बोल के रखा हुआ है। ठीक है, और जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है वो बोलता है भाई गैम्बलिंग को कहीं ना कहीं एक इनसे रोकने की, टैक्सेशन लगाने के बारे में बात करी जाती है। ये सुनो, सो आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी अबाउट दिस एक्शनेबल क्लेम, यू गॉट क्लैरिटी अबाउट दिस रेगुलेशन एंड टैक्सेशन ऑफ बैटिंग एंड गैम्बलिंग इन इंडिया। नाउ वी टॉक अबाउट ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर क्या विचार है। तो जो अब हम बात करेंगे दैट इज रिलेटेड टू ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन स्पोर्ट्स, ओके, विच इज पॉपुलरली नोन एज फैंटेसी स्पोर्ट। किसके साथ कनेक्टेड है दोस्तों उसका नाम, फैंटेसी स्पोर्ट्स। दोस्तों फैंटेसी स्पोर्ट्स आर लीगल और नॉट, दैट्स अ बिग इश्यू, है ना। फैंटेसी स्पोर्ट्स आर इमर्जिंग इन अ बिग वे। पिछले 10 सालों में जिस तरीके का डिजिटलाइजेशन हुआ, इंटरनेट पेनिट्रेशन हुआ, 5G आने की शुरुआत हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रहा है, वर्चुअल रियलिटी हो रही है, तो भैया हमारे यहाँ पे फैंटेसी स्पोर्ट्स का इंडस्ट्री अपने आप बहुत बढ़ने लगा। ये सुनो, फैंटेसी स्पोर्ट्स क्या होता है कि भैया एक तरीके से ऑनलाइन प्रेडिक्शन ऑफ गेम्स है, है ना। वर्चुअल टीम बनाते हो आप, रियल स्पोर्ट्स प्लेयर को यूज करते हुए, रियल लाइफ स्टैटिस्टिक्स को आप यूज करते हो, और फिर आप अपना एक डेटा, जैसे रग्बी के अंदर, साइकिलिंग के अंदर, हॉकी के अंदर, फुटबॉल, बास्केटबॉल, मोटर स्पोर्ट, टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, जो नाम देना है दो, कौन कौन से मेजर प्लेयर है, ड्रीम इलेवन, माई टीम इलेवन, हाला प्ले, माई इलेवन सर्कल, इलेवन विकेट्स, मोबाइल प्रीमियर लीग, इस तरीके के नाम है दोस्तों। ये अंतर होता है ना, फैंटेसी स्पोर्ट्स और ऑनलाइन गेम्स और ऑनलाइन स्पोर्ट्स, अंतर है। फैंटेसी स्पोर्ट्स आर वेरी डिफरेंट देन ऑल दी अदर फॉर्म्स ऑफ ऑनलाइन गेम्स, लाइक ई स्पोर्ट्स होता है या कैजुअल गेमिंग होता है, ये सुनो, उनको रियल लाइफ प्लेयर नहीं चाहिए, ओके, ठीक है। ये लोग जो पार्टिसिपेंट होता है वही अपनी एक्टिविटी के द्वारा काम करता है, ओके, चलिए ग्रेट। सो ऑनलाइन गेमिंग जो होता है वो कोई एक्चुअल सिचुएशन पे डिपेंड नहीं होता है, ओके, वो कोई रियल टाइम स्पोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, ओके। व्हाइल फैंटेसी स्पोर्ट्स आर डिपेंडेंट ऑन एक्चुअल गेम, एक्चुअल प्लेयर, ये सुनो, सो उसके ऊपर डिपेंड रहता है, बराबर है। सो देयर बाय दिस फैंटेसी स्पोर्ट्स करीबन काफी सालों से चल रहा था, करीबन लोग ऐसा मानते हैं कि 60 सालों से चल रहा था, ठीक है, और ये फन एक्टिविटी की नजरिए से चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा,
और धीरे 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 ये इंडिया में भी फैलने लगा। 2018-2019 के समय में एफडीआई के द्वारा करीबन 1500 करोड़ रुपया इंडिया में लगाया गया। अब इतने सारे पैसे के लिए कौन ना बोलेगा, ये सुनो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फैंटेसी स्पोर्ट्स के इकोनॉमिक, सॉरी फैंटेसी, यस फैंटेसी स्पोर्ट्स के इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। ये अपने आप एक बड़ी इंडस्ट्री बनने लगी है। इसके द्वारा इंडिया को जीएसटी का भी बहुत पैसा आता है, ऐसा माना गया 2019 में करीबन 160 करोड़ रुपया जीएसटी में आया, और 2020 में वो नंबर हो गया करीबन 450 करोड़ रुपया। सो डिजिटल इंडिया कैंपेन के अंदर ये एक बहुत मज़ेदार सी बात है दोस्तों। इसके लिए एक फेडरेशन भी बनाया गया, विच इज़ नोन एज फेडरेशन ऑफ फैंटेसी स्पोर्ट्स। सो फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स, इट्स अ सेल्फ रेगुलेटरी इंडस्ट्री, ठीक है। हाई कोर्ट के रूलिंग के बेसिस के ऊपर उन्होंने ये फेडरेशन ऑफ फैंटेसी स्पोर्ट्स बनाया, जहाँ पर उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के बारे में बात करी, उसके लीगली कॉम्प्लायंस क्या करना है उसके बारे में बात करी दोस्तों। इसीलिए जब आप उसके एडवर्टीजमेंट देखते हो, वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि भाई फलाने फलाने कंडीशंस होगी, जैसे म्यूचुअल फंड की कंडीशंस होती है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो ये जो फैंटेसी स्पोर्ट्स है दे आर सब्जेक्ट टू एडिक्शन, ठीक है, उसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं, है ना, आप उसको गंवा भी सकते हो, ठीक है। दिस इज हाउ द आइडिया इज भाई। FIFS जो बनाया गया, दैट इज कॉल्ड फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स, उसका चार्टर है कि भैया जो भी सिग्नेटरी है उसके, दे विल स्ट्रिक्टली एडियर to the charter, they will not engage in any non-compliant activity and thereby they will always safeguard the consumer interest, ठीक है, because fantasy sports are predominantly a game of skills। दोस्तों जब भी कोई particular चीज़ एक तरीके से, मतलब उसको legal माना जाए या उसको illegal माना जाए, तो लड़ाई होती है skills versus chance की, okay? This is where द फाइट इज हैपनिंग। अगर आप ये प्रूव कर सको कि आप जो चला रहे हो, भाई ऑनलाइन पोकर चला रहे हो, ऑनलाइन रमी चला रहे हो या फैंटेसी स्पोर्ट्स चला रहे हो, नाउ दैट इन्वॉल्व्स स्किल्स, तो भैया वो चलेगा। स्किल बेस्ड गेम्स आर ओके, ठीक है, ओके, बट चांस बेस्ड गेम्स आर नॉट ओके, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? सो फैंटेसी स्पोर्ट्स है जहाँ पे जो ऑनलाइन पोकर, ऑनलाइन रमी, ठीक है ना, और अलग अलग तरीके के फैंटेसी स्पोर्ट्स चलाए जा रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ आर कनेक्टेड टू स्किल्स, और इसकी वजह से उसको चलाना इज लीगल, ऐसा बोल के रखा हुआ है। ये सुनो दोस्तों, जो लीगलिटी के बारे में बात हो रही है, सो देन वी टॉक अबाउट गेम ऑफ स्किल्स एंड गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ चांस क्या होता है? जहाँ पे आउटकम इज स्ट्रॉन्गली influenced by the application of, you can say, some chance, ठीक है, क्या भैया, spinning wheel हो गया, picking of card हो गया, number cheat हो गया, ठीक है, dice roll कर दिया, so that is called game of chance। game of skill क्या हुआ? the outcome is determined by physical or mental skills, where chance is a very minuscule or non-existence, ठीक है। so जब वो कोई player है जो कॉन्स्टेंटली इस पर्टिकुलर चीज़ को देखता रहता है कि उसने जो भी एक्टिविटी करी सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, तो भैया ये स्किल बेस्ड एक्टिविटी हो गई, जैसे ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स है, ओके, लोग बोलते हैं इट्स अ गेम ऑफ चांस, तो नहीं, लोग बोलते हैं ना भैया इट इज़ अ स्किल बेस्ड फॉर्मेट, ओके, इट इज़ प्लेड बाई स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट, ठीक है। आपको पता ही नहीं है क्रिकेट में क्या है, तो आप इसके ऊपर खेल ही नहीं सकते हो। भाई ड्रीम इलेवन में आप बोलोगे कि भैया क्रिकेट की टीम बनाओगे, अब किसी को क्रिकेट का सी भी नहीं पता तो कैसे खेलेगा, है ना। सो ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने ड्रीम इलेवन के ऊपर जो केस करा गया था, ठीक है, उसको बोला था इट इज़ अ गेम ऑफ स्किल, ठीक है, ओके, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोल दिया दैट लेकिन से जब हम जीएसटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो फैंटेसी स्पोर्ट्स की जो लीगलिटी है उसको हम देखेंगे, और फैंटेसी स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री देखा जाए तो आज की तारीख में, है ना, थोड़ा सा वेग सिनारियो है, ठीक है, बहुत क्लैरिटी तो बोली नहीं है, बट देखा जाए तो वो गेम ऑफ लेकिन से स्किल्स में आती है, और उसके उसके रिलेटेड कुछ रूल्स ऑलरेडी बनने लगे हैं। I hope this entirely is clear to you how fantasy sports and how this lottery and gambling and betting are connected. Okay, chali, all the best. Hello friends, welcome to Pro Talent, and today we are going to talk about Maharashtra Shakti Bill. Dosto, when we are going to discuss about Maharashtra Shakti Bill, we are going to take a look
एट द लॉस ऑन रेप एंड सेक्सुअल क्राइम. भारत में किस तरीके से सेक्सुअल क्राइम रिलेटेड लॉस इवॉल्व हुए हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं, एंड दैट मे हेल्प यू टू गेट लॉट ऑफ आंसर्स इन योर एग्जामिनेशंस. दोस्तों आपने देखा होगा दैट समवेयर अराउंड इन 2019 देयर वाज अ रेप एंड मर्डर ऑफ वेटरिनेरियन इन हैदराबाद दैट शॉक्ड द एंटायर कंट्री. उसके बाद एक उन्नाव रेप सर्वाइवर थी, ठीक है, उसको जला दिया था उत्तर प्रदेश में, दैट ऑल्सो क्रिएटेड लॉट ऑफ शॉक. निर्भया केस के द्वारा भी भारत में बड़े बड़े शॉक लगे, ठीक है. सो ये जो सेक्सुअल क्राइम होते हैं दोस्तों, ठीक है, उसके रिलेटेड क्या सिस्टम डेवलप हुई थी, रेप आईपीसी 1860 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था. ऑब्वियसली पहली बार नया लॉ बनाया था, सो वी एंश्योर्ड दैट इज ब्रिटिश पार्लियामेंट एंश्योर्ड दैट अगेंस्ट लॉर्ड मैकोले साहब इस तरीके के लॉ बना के रख दे. ओके, वहां पे उन्होंने क्राइम में डाल दिया था. दो सेपरेट लॉ बनाए, आईपीसी और सीआरपीसी, और उन दोनों में उन्होंने ये अगेंस्ट रेप का आइडिया डाल के रखा था. दैट वॉज सेक्शन 375. सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी मेड पनिशेबल the act of sex by a man with a woman. Okay, act of sex by a woman to by a man, you can say with a woman, if it was done against her will or without her consent. ठीक है, दो चीजों पर ध्यान देना, against her will and without हर कंसेंट. ओके, चलिए, ग्रेट, ठीक है. तो दोस्तों ये जो बात है कि अगेंस्ट हर विल को कैसे प्रूव करेंगे, वो मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी ये सब में आता है, हम देखते हैं दो मिनट में, ठीक है. बट एट द सेम टाइम यू कैन से व्हेन वी से हैविंग अ सेक्स विथ हर कंसेंट बट कंसेंट वॉज ऑब्टेन्ड यू कैन से बाय यू कैन से फियर और फ्रॉड, ठीक है, और अगेन से कोई ऐसी चीज में व्हेन शी इज इंटरेस्टेड, ठीक है. तो भाई फॉर एग्जांपल अगर उसको शादी करने का वादा किया और आपने अगेन से गलत काम कर दिया तो भैया उसको भी रेप माना जाएगा. ओके, आपने गलत अगेन से कमिटमेंट दिया और उसके द्वारा आपने कंसेंट लिया, सो दैट इज नॉट ओके. ओके दोस्तों, सेक्स विथ और विदाउट हर कंसेंट, ठीक है, जब वो 18 साल की नीचे की है तो ऑब्वियसली उसको रेप माना जाएगा, ठीक है. ये बात हो रही है ग्रेटर देन 18, लेस देन 18 में तो ऑब्वियसली उसको क्राइम माना जाएगा. ये सुनो, हाउएवर देयर वर सर्टन एक्सेप्शंस टू दिस. ओके, कि अगर कोई मैन ने अपनी वाइफ है जो 15 साल से बड़ी है तो उसको रेप नहीं माना जाएगा. ओके, तो ऐसा गणित हुआ था जब शुरुआत हुई थी, तब की बात है. ओके, हम धीरे धीरे इसको इवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है. ये हुआ सेक्शन 375. आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू. सेक्शन 375 में क्या मुद्दे थे, अगेंस्ट हर विल विदाउट हर कंसेंट, है ना. विदाउट हर कंसेंट का क्या मतलब हुआ वो भी मैंने समझाया, एज कौन सी लगती है और लेस देन 18 में रेप गिना जाएगा, पर एक्सेप्शनल केस भी मैंने आपको समझाया. अब 1972 में एक महत्वपूर्ण केस आया. ओके भैया, मार्च 26 1972, एक यंग आदिवासी गर्ल जिसका नाम था मथुरा, ठीक है, मथुरा नाम की लड़की, शी वॉज एलिजेडली रेप्ड बाय अ पुलिसमैन इन पुलिस स्टेशन इन महाराष्ट्र. ओके, मथुरा केस के अंदर, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हुआ. इसको मैंने जो से क्रिमिनल लॉ था उसके अंदर भी मैंने ये समझाया था, मैं वापस यहां पे समझा रहा हूं, ठीक है. ओके, केस कहां पर हुआ था भाई, ये इवेंट कहां पर हुई थी, पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र में, ठीक है. ट्रायल चालू हुई, सेशंस कोर्ट केम टू अ कंक्लूजन दैट शी हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स वेल एट द पुलिस स्टेशन बट रेप हैड नॉट बीन प्रूव्ड बिकॉज शी वॉज हैबिचुएटेड टू इंटरकोर्स. बराबर है, तो ट्रायल कोर्ट ने बहुत ही अजीब सा जजमेंट दे दिया दैट शी वॉज हैबिचुएटेड टू इंटरकोर्स, ठीक है, मतलब सीधा एक इनसे औरत के कैरेक्टर पे पहुंच गए. चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ा ये केस, ठीक है. वेल द सेशंस कोर्ट एक्विटेड बोथ द पुलिसमैन, हाई कोर्ट रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एक्विटल. ओके, हाई कोर्ट ने इस ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स कर दिया. ये सुनो, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है. अब क्या हुआ, नाउ दिस वेंट
टू द सुप्रीम कोर्ट. नाउ व्हेन द केस रीच टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न्ड हाई कोर्ट्स वर्डिक्ट सेइंग दैट द इंटरकोर्स इन द क्वेश्चन इज नॉट प्रूव्ड टू अमाउंट टू अ रेप. 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने यह अजीब सा जजमेंट दिया. दे सेड देयर वर नो मार्क्स ऑफ इंजरी वर फाउंड ऑन द गर्ल आफ्टर द इंसिडेंट. ठीक है, जब कोई मार्क्स नहीं मिले, दे आर एब्सेंस ऑफ इंजरी और मार्क्स ऑफ इंजरी गोज अ लॉन्ग वे टू इंडिकेट दैट द एलिज्ड इंटरकोर्स वॉज अ पीसफुल अफेयर. ऐसा करके जजमेंट दिया मथुरा के केस के अंदर. अब ये एक बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल वर्डिक्ट हो गया और पूरे देश में बड़े बड़े प्रोटेस्ट होने लगे. ऐसा नो, और सब लोगों ने डिमांड किया कि ये जो रेप के लॉ है उसको बदलने पड़ेंगे. एंड देयर बाय इट लेड टू एन अमेंडमेंट इन 1983, क्रिमिनल लॉ सेकेंड अमेंडमेंट 1983, और नया सेक्शन, ठीक है, 1983 में डाला गया. उस दिन वो इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, उस समय की बात है. नया सेक्शन डालना पड़ा, 114A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. ठीक है, ये इंट्रोड्यूस किया गया. ओके, विच प्रिज्यूम्ड दैट देयर इज एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशंस ऑफ रेप इफ विक्टिम सेज सो. सिंपल, विक्टिम अगर बोल दे इन सर्टेन केसेस, ठीक है, बराबर है, तो वो माना जाएगा देयर इज नो कंसेंट. सिंपल, ठीक है. एंड ये कस्टोडियल रेप केसेस में तो इंक्लूड होगा ही होगा. आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू. ठीक है, बात समझ में आ रही है. अगर विक्टिम बोल देगी कि भैया ये मैंने कंसेंट नहीं दिया था, तो इन सर्टन केसेस इट इज प्रिज्यूम्ड दैट देयर इज नो कंसेंट. ठीक है, और आईपीसी ने भी इस बात को भी माना, उसको बोला कि इसको भी हम रेप मानेंगे. ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी गई, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में यह भी सवाल बोला गया कि इसको जेंडर न्यूट्रल बनाइए ना सेक्शन 375 को. ओके, जो ऑब्वियसली लॉ कमीशन ने 172nd रिपोर्ट के अंदर भी रिकमेंड किया था कि भाई ऐसे लॉ को जेंडर न्यूट्रल बना दीजिए. ये सुनो दोस्तों, रेप लॉ इन इंडिया आज की तारीख में भी जेंडर स्पेसिफिक है. द परपेट्रेटर ऑफ एन ऑफेंस, करने वाला जो बंदा है, इज अ मेल, इज अ मैन. ओके, ठीक है, दिस इज हाउ द आइडिया इज. ओके, और जब हमने इंडियन एविडेंस एक्ट 2002 में वापस कुछ अमेंडमेंट करे गए, उसमें नया प्रोविजन इंसर्ट किया गया विच बार्ड पुटिंग क्वेश्चंस इन द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम एज अ जनरल इमोरल कैरेक्टर इन द रेप और अटेम्प्ट टू रेप केस. मतलब लड़की के ऊपर इमोरालिटी का आरोप लगाकर, ठीक है, उसको मतलब फंसाया नहीं जाएगा. ठीक है, वो मतलब आपने देखा होगा एक मूवी थी, है ना, दामिनी मूवी, जहाँ पे फैजान मुस्तफा साहब ने भी इसके बारे में बात करी थी. ठीक है, दामिनी करके एक मूवी आई थी, बहुत ही क्लासिक, एक ऐसे कोर्ट रूम ड्रामा दिखाया था, और वहां से वो डायलॉग आया था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, है ना, लोगों का गुस्सा सनी देओल ने बहुत अच्छी तरीके से बताया था दामिनी मूवी में, किस तरीके से अमरीश पुरी क्रॉस एग्जामिनेशन करके वो लड़की की इमोरालिटी प्रूव करते हैं, इमोरल कैरेक्टर प्रूव करते हैं. तो वो हटा दिया हमने. ठीक है, बहुत अच्छा काम किया. ओके, उसके बाद 2012 में, है ना, 2012 में एक और शॉकिंग केस आया इंडिया में, विच इज डिसम्बर 16 का गैंग रेप एंड मर्डर केस ऑफ दिल्ली, जहां जिसकी वजह से पूरे देश में हल्ला हो गया और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 लाना पड़ा, जिसने रेप के डेफिनेशन और पनिशमेंट को और ज्यादा स्ट्रिंजेंट कर दिया. पार्लियामेंट ने एक ऐसे इस क्रिमिनल लॉ को रिलुक करा और यहां पे जेल टर्म को बढ़ा दिया. ओके, एंड दे ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर डेथ पेनल्टी इन द रेप केसेस दैट कॉज डेथ ऑफ द विक्टिम और लिव्स हर इन अ वेजिटेटिव स्टेट. मतलब अब ये हो गया कि भैया अगर रेप के साथ डेथ हुआ, ठीक है, अगर उसका मर्डर किया गया, तो पक्का सामने वाले बंदे को डेथ पेनल्टी मिलेगी. ओके, और यहाँ पे नए नए ऑफेंसेस भी क्रिएट करे गए. ठीक है, वेरी यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स ऑन अ वुमन विथ इंटेंट टू डिसरॉब और वॉयरिज्म और स्टॉकिंग, ये करने के लिए भी अगर किसी ने क्रिमिनल फोर्स का यूज किया, तो भैया उसको मतलब उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा. पनिशमेंट फॉर द गैंग रेप वॉज इंक्रीज टू 20 years टू लाइफ इंप्रिजनमेंट, पहले 10 साल थी, उसको बढ़ा दिया. ये सुनो, ठीक है, एट द सेम टाइम कुछ ऑफेंसेस,
जो यू कैन से फिजिकल कॉन्टेक्ट अनवेलकम फिजिकल कॉन्टेक्ट था, अनवेलकम वर्ड यूज करे जाते थे, जेस्चर करे जाते थे, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, ठीक है, वर्ड याद रखना डिमांड और रिक्वेस्ट दोनों है, ठीक है, शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ अ वुमन और मेकिंग सेक्सुअल रिमार्क, ये सब को भी उन्होंने ऑफेंस में इंक्लूड कर दिया, यस और नो, स्टॉकिंग को भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। देन केम 2018, जनवरी 2018, 8 साल की लड़की इन रसना विलेज नियर कथुआ इन जम्मू कश्मीर, शी वॉज एबडक्टेड, रेप्ड एंड मर्डर्ड बाय ग्रुप ऑफ मैन, ओके, दिस वॉज शॉकिंग न्यूज टू द नेशन एंड पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट होने लगे, हार्शर पनिशमेंट लगाना पड़ा। सो 2018 में नया क्रिमिनल से लॉ अमेंडमेंट एक्ट लेकर आना पड़ा, जिसने पहली बार डेथ पेनल्टी लगाई एज अ पॉसिबल पनिशमेंट फॉर अ रेप ऑफ अ गर्ल अंडर 12 इयर्स ऑफ एज, 12 साल के नीचे की लड़की के ऊपर अगर रेप किया गया तो मिनिमम पनिशमेंट 20 साल का जेल एंड इट कैन गो अप टू द डेथ पेनल्टी, ओके। और एक नया सेक्शन इंसर्ट करना पड़ा आईपीसी में विच स्पेसिफिकली डील विद द रेप ऑन अ गर्ल बिलो 16 इयर्स ऑफ एज, 16 साल के नीचे की लड़की के ऊपर अगर पनिशमेंट होगा तो मिनिमम पनिशमेंट 20 साल और इट में एक्सटेंड अप टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है दोस्तों, ये तरीके के चेंजेस करने पड़े, ओके। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नाउ वी कम बैक टू व्हाट हैपेंड टू महाराष्ट्र अगेंस्ट ए बिल अगेंस्ट सेक्सुअल क्राइम। दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड दिस बिल विच इज पॉपुलरली नोन एज शक्ति बिल। दोस्तों ऐसा ही एक और बिल है आंध्र प्रदेश का जिसका नाम दिया गया दिशा एक्ट, ओके, क्या नाम दिया गया दोस्तों, दिशा एक्ट, ओके। महाराष्ट्र शक्ति क्रिमिनल लॉ विच इज महाराष्ट्र अमेंडमेंट एक्ट 2020 के द्वारा, ओके, ये लाया गया। दोस्तों ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये शक्ति बिल लेकर आए उसने क्या किया है ना भाई, ये नया लॉ में उन्होंने नंबर ऑफ केसेस ऑफ वायलेंस और सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन बढ़ रहे थे, ठीक है, उसकी वजह से ये लाने की कोशिश करी, ये आईपीसी को बदलने की कोशिश, सीआरपीसी को थोड़ा सा बदलने की कोशिश और जो पॉक्सो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट उसको भी बदलने की कोशिश करी गई। ये सुनो, द चेंजेस आर प्रपोज्ड इन द सेक्शंस ऑफ रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट, एसिड अटैक एंड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, उसके ऊपर उन्होंने लगाया। डेथ पेनल्टी प्रपोज करी गई, ओके, इन द केसेस ऑफ रेप, गैंग रेप, रेप बाय पर्सन इन अथॉरिटी, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ माइनर, ठीक है, और इन द केसेस ऑफ एसिड अटैक व्हेन ग्रीवस इंजरी इज कॉज्ड, ये सबके द्वारा उन्होंने इसके अंदर ये चीजें डाली गई। साथ में उन्होंने नया सेक्शन इंक्लूड किया, सेक्शन 354E, सेक्शन 354E इंट्रोड्यूस किया, ओके, ठीक है, विच इज टू डील विथ एब्यूज ऑफ वीमेन ऑन सोशल मीडिया, ओके, जहां पे कोई इंटेंशनल एक्ट है किसी का बाय क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ डेंजर, इंटिमिडेशन और फियर टू अ वुमन, इसके अलावा मतलब अपार्ट फ्रॉम इंसल्टिंग और मॉडेस्टी बाय एनी एक्ट, डीड और वर्ड्स इंक्लूडिंग ऑफेंसिव कम्युनिकेशन वुड बी टर्म्ड एज एन ऑफेंस विद अ मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ 2 ईयर ऑफ जेल एंड 1 लाख ऑफ फाइन, ओके, विच मीन्स अगर कोई वुमन का मॉफ्ट वीडियो डाल दिया, मॉफ्ट इमेज डाल दी, या उसको थ्रेटन किया कि तुम्हारा फोटो और वीडियो ऐसे में अपलोड कर दूंगा, ठीक है, विच वुड डिफेम हर डिसरेप्यूट हर और वायलेट हर प्राइवेसी, ठीक है, ऐसी चीजों को से इन्होंने बोला कि भैया वो ऑफेंस गिना जाएगा, और अगर किसी ने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी, फॉल्स कंप्लेन करी, ये सुनो ऐसे ऐसे ऑफेंसेस के लिए, ठीक है, ताकि किसी को ह्यूमिलिएट करे, किसी को थ्रेटन करे, उस बंदे को भी 1 साल की सजा और फाइन का इगेंसे इन्होंने प्रोविजन डाल दिया। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरी वन। चलिए ग्रेट, ऑल द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कर्नाटका Prevention of Slaughter and Preservation of Cattle Bill 2020. Okay, Karnataka Assembly ne ye kareeban December 2020 mein isko ban kar diya tha. It has banned the slaughter of all cows, bulls, bullocks and calves. Theek hai?
एंड बफेलो जो लेस देन 13 ईयर ऑफ एज है. ओके, स्मगलिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ एनिमल फॉर स्लॉटर इज ऑल्सो एन ऑफेंस. ठीक है, और उसको पनिशमेंट उन्होंने बता दिया भाई 3 साल से 7 साल की होगी. पुलिस को पावर होगा कोई भी सस्पिशन के ऊपर सर्चिस करना, वो पावर उन्होंने हाथ में दे दिया. ठीक है, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया, क्योंकि एक धर्म में हिंदुइज्म के धर्म के अंदर, ठीक है, काऊ को एक बहुत महत्वपूर्ण से प्राणी माना जाता है, एक महत्वपूर्ण एनिमल माना जाता है. ठीक है, और बहुत सारे लोगों की फूड प्रैक्टिसेस को वो अंडरमाइन करेगा. एक तरफ एक धर्म है जो बोलता है कि भैया ये हम इसको रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, धार्मिक भावना है जो बिल्कुल मतलब लोगों की भावना को समझना चाहिए, और दूसरी तरफ दूसरे धर्म के लोग हैं उनके लिए वो एक सोर्स है कुछ पर्टिकुलर चीज़ का. ओके, मतलब फूड के रिलेटेड उनके नरिशमेंट का एक सोर्स है. ओके, तो ये एक बोवाइन नेशनलिज्म के बारे में बात है. हम इस इधर ये कंट्रोवर्सी के ऊपर जाके बात नहीं कर रहे. ठीक है, हमारा मकसद नहीं है कि हम अभी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करें, हम पढ़ाई पे ध्यान दें और हम ये देखें कि हमें एग्जाम में क्या क्या आ सकता है. ठीक है दोस्तों, एग्जाम में आने के लिए हमें समझना चाहिए कि ये जो इनसे जो बिल है, ठीक है, वो क्या चीज लाने की कोशिश करता है. तो हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले कि भारत में एनिमल राइट्स कहां पे डिफाइन करे गए हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस द सेंक्टिटी ऑफ एनिमल लाइफ एंड देयर ट्रीटमेंट विथ डिग्निटी. ठीक है भाई, मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ पे कुछ साल कुछ मतलब ये लॉकडाउन के दौरान कुछ लोगों ने से स्ट्रे डॉग्स थे उनको पकड़ के उनको से बाइक के पीछे बांध कर से जोर से खींच रहे थे ताकि वो डॉग घिस रहा है. ठीक है, तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया. किसी ने कुछ डॉग्स को पकड़ कर जहरीला खाना दे दिया, वो मर गए. उन बंदों को भी पकड़ के थोड़े दिन के लिए जेल में डाल दिया गया. यस नो? सो दिस इज ट्रीटमेंट विथ डिग्निटी. ठीक है, तो एनिमल प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट. आर्टिकल नंबर 21 टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ. ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर ये राइट टू लाइफ में एनिमल राइट्स कहां पर आया. ठीक है दोस्तों, एक जो महत्वपूर्ण केस हुआ था जिसको बोला गया था जालीकट्टू केस, है ना, विच इज नोन एज एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराजा करके जो केस हुआ था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एनिमल राइट्स को समझने के लिए आर्टिकल नंबर 21 का एक्सपांसिव रीडिंग किया, उसको ब्रॉडर वे में समझा और बोला कि आर्टिकल नंबर 21 के द्वारा उनको जिंदगी जीने का अधिकार है और उनको डिग्निटी के द्वारा, एनिमल्स को डिग्निटी के द्वारा ट्रीट किया जाना चाहिए. ठीक है, सिमिलरली इन डीपीएसपी, ओके, आर्टिकल नंबर 48 स्टेट्स दैट स्टेट शैल एंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस. ठीक है, दे विल टेक स्टेप्स फॉर प्रिजर्विंग एंड इम्प्रूविंग ब्रीड्स एंड प्रोहिबिटिंग स्लॉटर ऑफ काव्स काल्स एंड अदर मिल्च एंड ड्राउट कैटल. ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 48 में बोला. आर्टिकल नंबर 48A में बोला स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री. तो डीपीएसपी के द्वारा स्टेट के ऊपर ये अधिकार छोड़ दिया गया. साथ में आर्टिकल नंबर 51A(g) फंडामेंटल ड्यूटीज के द्वारा सिटीजन्स को बोला इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्स लेक्स रिवर्स वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपेशन फॉर लिविंग क्रीचर्स. ठीक है, तो इसके द्वारा है ना हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार दिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारों के द्वारा एनिमल लाइफ एंड देयर ट्रीटमेंट विथ डिग्निटी को समझने की कोशिश करी. यस नो? आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू. ऑल द बेस्ट. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन जुडिशरी. ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है. ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी मतलब करंट अफेयर के क्वेश्चंस के मुताबिक या तो मतलब लॉजिकल रीजनिंग या आरसी में कहीं ना कहीं इसका पैराग्राफ आ सकता है. सो इसको शांति से समझिए. फीमेल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अ सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन इन द वर्ल्ड विच इज एट सम अराउंड 48.5% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन. दिस इज ह्यूज. एंड वेन वी टॉक अबाउट हाउ मेनी यू कैन से वीमेन जजेस आर देर, हायर जुडिशरी में
विच इज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में देर आर मियरली 7% ऑफ जजेस आर वुमेन एंड ओवरऑल इट इज ओनली 29% ऑफ जजेस आर वुमेन. जब पॉपुलेशन 48.5% है और उसके सामने अगर जजेस 29% है तो ये बिल्कुल एक ऐसे अच्छी बात नहीं है. हाउएवर हम ये समझे कि ओवरऑल लॉट ऑफ थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड ओके, और जिसकी वजह से अब ये नंबर बढ़ेगा. वीमेन एम्पावरमेंट बढ़ा है, लिटरेसी, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन, इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग्स, ये बढ़ा है ठीक है, और जिसकी वजह से वीमेन विल पॉसिबली कम इन अ बिग वे. ये सुनो भाई, अपने शरद अरविंद बोबड़े साहब जब वो लेकिन से रिटायर हो रहे थे, उन्होंने फेयरवेल स्पीच में बोला था दैट द टाइम हैज कम फॉर अ वुमन टू बी अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओके. उन्होंने ये बहुत क्लियर केस में बोला था और इसीलिए हम इस मुद्दों के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी फेयरवेल स्पीच में जब उन्होंने बोला तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा होगा ठीक है. सिमिलरली जस्टिस इंदु मल्होत्रा जो सुप्रीम कोर्ट की लेकिन से जज लेकिन से रह चुकी है, जो करीबन 13 मार्च 2021 है ना रिटायर हुई, उन्होंने अपनी फेयरवेल स्पीच में बोला, मार्च 2021 में जब वो रिटायर हुई फेयरवेल स्पीच में बोला दैट द सोसाइटी बेनिफिट्स व्हेन जेंडर डाइवर्सिटी इज फाउंड ऑन द बेंच ठीक है. बिल्कुल जेंडर डाइवर्सिटी के बगैर हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे. अब आप देखिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ऑर्डर जहाँ पे एक एक्यूज था, ही वॉज अरेस्टेड ऑन द चार्जेस ऑफ मोलेस्टेशन, ही वॉज ग्रांटेड बेल ऑन अ कंडीशन दैट ही इज गोइंग टू टाई राखी है ना, ही इज अलाउड टू टाई राखी बाय द विक्टिम. मतलब ये तो किस तरीके की जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात हुई ठीक है. तो ये ऑब्वियसली सही बात नहीं है ओके ठीक है. तो शरद अरविंद बोबड़े साहब ने जो बोला था दैट इट इज़ अ टाइम दैट वी हैव ठीक है. अभी हम एक तरीके से बस तो मिस कर चुके क्योंकि हमें नए फीमेल जजेस लेकर आने थे ठीक है, पर हम नहीं लेकर आए ठीक है, हम ये नहीं लेकर आए एंड दैट इज़ क्रिएटेड डेफिनेटली अ बिग प्रॉब्लम. अब देखा जाए तो ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेंथ है टोटल 33+1 ओके. सुप्रीम कोर्ट में टोटल सेंक्शन स्ट्रेंथ है 34+1 ठीक है. अभी तक कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस है नहीं ओके ओके, फीमेल चीफ जस्टिस नहीं है. एंड आज की तारीख में अगर हम बात करें तो देर इज ओनली वन फीमेल जज इन सुप्रीम कोर्ट इज इंदिरा बैनर्जी, शी इज फ्रॉम तमिलनाडु. उसके पहले द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज फातिमा देवी 1987 ठीक है. फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज फातिमा देवी ओके. हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिनका टेन्योर अभी बढ़ाया गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज मिस्टर के वेणुगोपाल ठीक है. उनका कहना है कि भाई अगर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इम्प्रूव किया जाए ठीक है, इट इज़ गोइंग टू गिव अ मोर बैलेंस्ड एंड एम्पैथेटिक अप्रोच टू सेक्सुअल वायलेंस केसेस इन द कंट्री ओके. एट द सेम टाइम जजेस आर नीड टू बी ट्रेन्ड टू प्लेस देमसेल्व्स इन द शूज ऑफ विक्टिम फॉर द सेक्सुअल वायलेंस ठीक है. भैया कितने सारे केसेस, पॉक्सो का केस ऑफ अगेन से ऑफ महाराष्ट्र जो बोलता है कि भाई स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं हुआ तो हम उसको रेप नहीं बोलेंगे ओके. सिमिलरली अगर हम अगेन से तरुण तेजपाल का केस देख ले ठीक है, जहाँ पे गोवा कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भैया वो विक्टिम थी है ना, विक्टिम वॉज नॉट लुकिंग एज अ विक्टिम ठीक है, शी वॉज हैप्पी, शी वॉज एन्जॉइंग द लाइफ ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए. तो जेंडर सेंसिटाइजेशन इज अ बिग इश्यू इन अगेन से हायर जुडिशरी, दिस इज वेरी क्रूशियल ओके. तो दोस्तों जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं एक बड़ा सिस्टमिक चेंज लाने की बात करनी चाहिए ओके. अब देखिए दोस्तों सिस्टमिक चेंज लाने के लिए अगर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को इंडिपेंडेंट, अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए तो काम होगा. ये सुनो, अब इसके पीछे एक NJAC लाने के बारे में बात करी गई थी, पर NJAC वॉज नॉट अ सिस्टम विच वॉज मेकिंग इट टू बी इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं थी ठीक है. ऑब्वियसली उसको हटा दिया ओके, पर कहीं ना कहीं ये अब हमारे लीडर्स के हाथ में है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हम एक से लेकर आए. इंडिपेंडेंस के 70 साल हो गए ओके, और उन 70 सालों में ठीक है इंडिया को बहुत सारे विमेन जजेस तो मिले नहीं हैं. अभी तक 8 विमेन जजेस मिले हैं. फातिमा बीवी वॉज द फर्स्ट वन, सुजाता मनोहर, रूमा पाल
रुमापाल ने बहुत ही मज़ेदार तरीके से एक किताब लिखी थी, बहुत अच्छी किताब लिखी थी, दी सेवन सीन्स ऑफ जुडिशरी। शी वॉज लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रुमापाल। ज्ञान सुधा मिश्रा, रंजना देसाई, आर भानुमति, इंदु मल्होत्रा और करंट है इंदिरा बैनर्जी। ओके, चलिए, ग्रेट। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। ऑल द बेस्ट।